भारत बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज को प्रमोट करने के लिए वायकॉम 18 ने एक कैंपेन लॉन्च किया है और कैंपेन का नाम है द नेबर्स प्ली, यानी पड़ोसी की गुहार। और जानते हैं कि ये पड़ोसी कौन है? हम सरहद पार से बोल रहे हैं। इस इंडिया बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में हम आपके साथ हैं। मैच भारत में हो रहे हैं, खेलेगी भारतीय क्रिकेट टीम, सामने होगी बांग्लादेश की टीम, लेकिन वायाकॉम 18 को ये सीरीज प्रमोट करनी है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ। जीतेगी टीम इंडिया और सुकून हमें मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात हैं, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे समय में बांग्लादेश की टीम के साथ क्रिकेट खेलने का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन चलो माना कि ये निर्णय जो है वो जियो या वायाकॉम के हाथ में नहीं था। मुझे इस विज्ञापन को बनाने वाले, इसे अप्रूव करने वाले और इसको दिखाने वाले सभी पाकिस्तान प्रेमियों से ये जानना है कि द नेबर्स प्ली बनाते समय क्या आपको कश्मीर में हर दिन आतंकवाद का शिकार होते हिंदुओं की प्ली सुनाई नहीं दी? पाकिस्तान से देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपना जीवन न्योछावर करने वाले हमारे देश के जवानों के परिवारों की प्ली सुनाई नहीं दी? क्या हमारे देश में क्रिकेट फैंस की इतनी कमी हो गई कि आपको विज्ञापन बनाने के लिए एक ऐसे देश के फैंस को चुनना पड़ा जो लगातार हमारे देश में टेरर स्पॉन्सर करता है? आप लोग इतनी आसानी से पुलवामा कैसे भूल गए? आए दिन कश्मीर में होती आतंकी घटनाओं पर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? वैसे जाता भी कैसे, जियो के जो बड़े लोग हैं अनंत अंबानी जैसे लोग अपने प्री वेडिंग फंक्शन में पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब भी बात क्रिकेट की या पाकिस्तानी मूवीज या म्यूजिक की होती है तो लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भाई खेल को खेल की भावना से देखो और जो म्यूजिक है उसको सीमाओं में मत बांधो। पर कभी आपने सोचा है कि यदि हमारी सेना के जवान भी जो हैं वो आतंकियों के साथ मानवीयता के रिश्ते निभाने लग जाएं, पाकिस्तानी धुनों पर नाचना गाना शुरू कर दे, पाकिस्तानी आर्मी के साथ ईद की सेवइयों का आनंद उठाना शुरू कर दे, आतंकियों के लिए रेड कारपेट बिछाना शुरू कर दे, तो हमारा क्या होगा? क्या देश को बचाने का सारा ठेका हमारी सेना के जवानों ने लिया हुआ है? आज हम अपने घरों में सुरक्षित लंबी तान कर सो पाते हैं तो इसका श्रेय जाता है हमारी सेना के उन जवानों को जो सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसका श्रेय जाता है हमारी सेना के जवानों के उन परिवारों को जो हमारी रक्षा के लिए अपनी कोख, अपनी मांग का सिंदूर, अपने राखी के धागे को समर्पित कर देते हैं और उफ तक नहीं करते। लेकिन हमें तो बस एंटरटेनमेंट से मतलब है। हम हमारे देश की सेना के लिए इतना त्याग करने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि ऐसे मैसेजेस, ऐसे कैंपेन, ऐसे मैचेस का बहिष्कार करें। यदि आप अपने देश की सेना के प्रति अपना थोड़ा सा भी उत्तरदायित्व समझते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जियो सिनेमा तक ये बात पहुंचाएं कि ये पाकिस्तानी प्रेम वाला जो विज्ञापन है इसको तुरंत बंद किया जाए।